का दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को हुई भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार ने अत्यधिक भीड़ होने के कारण भक्तों से खास अपील की है। उन्होंने भक्तों से अनुरोध करते हुए कहा है कि घर से ही आराधना करें और बागेश्वर धाम न आए। दरअसल 4 जुलाई को बागेश्वर धाम में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना था। कार्यक्रम की तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन हाथरस हादसे से सबक लेते हुए भक्तों से घर से ही आराधना करने की अपील की गई है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण पूज्य सरकार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि घर से ही अभी कुछ दिनों तक बालाजी सरकार की आराधना करें। किसी तरीके की होनी अनहोनी ना हो जाए और इसीलिए पूज्य सरकार ने सभी जनता को सचेत किया है कि आज अथाह भीड़ धाम पर आई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम से जितने लोग जुड़े हैं वो हमारे आत्मीय जन हैं। 4 जुलाई को दूर दूर से लोग बागेश्वर धाम आ रहे हैं। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी, लेकिन 1 जुलाई से ही जन समुदाय में अपार भीड़ पहुंच गई। आप लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनाए। आगामी गुरु पूर्णिमा को 21 जुलाई को हम और व्यापक मैदान की व्यवस्था करेंगे और आप लोगों के स्वागत का इंतजार करेंगे। गुरु पूर्णिमा उत्सव आप सबके साथ मिलकर मनाएंगे और बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी कराएंगे। जरा आप ये वीडियो देखिए। आप सबकी जय हो। बताते हुए मैं प्रसन्नता है, जुलाई का महीना है और आज 2 जुलाई मंगलवार है, कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाएंगे 4 जुलाई को। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बहुत व्यापक तरीके से, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आप पादुका पूजन भी करोगे, बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी करोगे। मतलब वीडियो का सार यह है बताने का कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल तिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय बागेश्वर धाम की। और 4 जुलाई को अभी से तुम मोबाइल पे ही विश कर दो, जय सियाराम। तो देखा आपने कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो का सार क्या है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 4 जुलाई को प्रियजन अपने घर से ही उत्सव मनाएं। बागेश्वर धाम में जो व्यवस्थाएं की गई थी उनके बारे में तो अब पूछिए मत। यूट्यूब पर ही बागेश्वर धाम की फोटो देख लें। हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को कोई पीड़ा ना हो। आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी करें, हम योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था करेंगे और आप सभी से मोबाइल से शुभकामनाएं भेज दें। आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह वीडियो हाथरस घटना के बाद आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें हो रही हैं। यानी कि हाथरस घटना को देखते हुए और उससे सबक लेते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी सतर्क हो गए हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।